हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और यही सोचकर मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने एक ही कलर के प्लाजो के साथ बहुत सारे लुक्स क्रिएट किए हैं और वो सभी लुक्स बहुत ही ईजी हैं। आप उन लुक्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी पार्टी में, फेस्टिवल में या किसी भी ओकेज़न में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा। एंड रिमेंबर वन थिंग कि प्लाजो आपको अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नो फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने रेड प्लाजो के साथ ही सारे लुक्स क्रिएट किए हैं और ये मेरा फर्स्ट लुक है। इसमें मैंने रेड प्लाजो के साथ ब्लू फिटेड टॉप को पेयर अप किया है। मैंने टॉप प्लाजो में टक इन किया है और इसको और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसके साथ ब्लैक बेल्ट को यूज़ किया है। ये ब्लू टॉप बहुत ही अच्छा जा रहा है रेड प्लाजो के साथ। फ्रेंड्स, इस टॉप का जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है, वो थोड़ा शाइनिंग वाला है, तो इससे ये लुक और अच्छा हो गया है। फ्रेंड्स, ये ब्लू टॉप और ब्लैक बेल्ट मैंने शीन से ली थी और ये काफ़ी पुराना टॉप है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ लुक टू की तरफ और मुझे लगा कि इस लुक को मैं एक ट्विस्ट दे सकती हूँ। तो मैंने अपने रेड सिल्क के दुपट्टे को प्लीट्स किया है पल्ले की तरह, जैसा कि हम साड़ी के लिए करते हैं। यहाँ पर मैंने रेड बिंदी लगाई है, रेड इयररिंग पहने हैं। तो नाउ दिस इज़ अ इंडो वेस्टर्न लुक। दिस इज़ माय लुक नंबर 3। नाउ हेयर आई हैव पेयर दिस रेड प्लाजो विद वाइट फिटेड टॉप। इस टॉप में 3/4 स्लीव्स हैं जो मैंने मिंत्रा से परचेज किया था। यहाँ पर मैंने पर्ल और ऑक्सीडाइज कॉम्बिनेशन के इयररिंग पहने हैं और ऑक्सीडाइज बैंगल्स भी पहने हैं। सो दिस लुक इज़ सो सिंपल एंड एलिगेंट एंड दिस लुक इज़ परफेक्ट फॉर मार्केटिंग एंड स्मॉल गेट टुगेदर। यहाँ पर इस टॉप के साथ मैंने एक एथनिक लुक ट्राई किया है और इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक बनारसी दुपट्टा। ऐसे दुपट्टे की लेंथ भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पल्ले की लेंथ को एडजस्ट करें, उसके बाद बचे हुए दुपट्टे के कपड़े को टक कीजिए प्लाजो के अंदर और बन गई ये एक रेडीमेड साड़ी। इस लुक को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक टॉप, प्लाजो एंड एक बनारसी दुपट्टा और यहाँ पर एक परफेक्ट इंडो वेस्टर्न लुक रेडी है। फ्रेंड्स, मैंने इस लुक को और अच्छा बनाने के लिए पिंक झुमकी, बहुत सारी पिंक एंड गोल्डन कलर की मेटल बैंगल्स पहनी हैं। इस लुक को आप स्मॉल पार्टीज़ में, घर में होने वाले किसी भी ओकेज़न में ट्राई कर सकते हो, यह बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ लुक नंबर 5 की तरफ और यहाँ मैंने प्लाजो के साथ एक कम्प्लीट वेस्टर्न लुक दिया है, जिसमें मैंने एक ब्लैक स्लीवलेस टॉप एंड डेनिम जैकेट पहनी है। इसको और स्मार्ट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी जंक ज्वेलरी पहनी है। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जंक ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस लुक इज़ परफेक्ट फॉर लंच पार्टी, किटीज पार्टीज, कॉलेज गोइंग गर्ल्स कैन ऑल्सो ट्राई दिस लुक। आई थिंक इट्स द बेस्ट लुक फॉर देम। सो हेयर आई एम विद माई लुक नंबर 6, जिसमें मैंने प्लाजो के साथ वाइट कुर्ता पहना है और वाइट कुर्ते की वजह से ये लुक बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, इस कुर्ते का जो मटेरियल है वो सिल्क है और यहाँ पर मैंने इसको और अच्छा लुक देने के लिए ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग एंड बैंगल्स पहने हैं और साथ में मैंने एक वॉच भी पहनी है। लुक नंबर 7 में मैंने अपना एक शिफॉन का येलो दुपट्टा अपने इस वाइट कुर्ते के साथ पेयर अप किया है। सो लुक नंबर 8 में अगेन मैंने इस दुपट्टे को एक ट्विस्ट दिया है और मैंने इस दुपट्टे को स्टाइल किया है स्कार्फ बनाकर। इससे आपके हैंड्स फ्री भी हो जाते हैं और आपको दुपट्टा संभालना नहीं पड़ता है। एंड बिलीव मी, स्कार्फ की तरह पहनने पर ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इस लुक को मैंने काफ़ी अप्रोप्रिएट तरीके से एक एथनिक लुक दिया है और इस लुक को आप बर्थडे पार्टीज में या किसी भी स्मॉल ओकेज़न पर ट्राई कर सकते हो, ये लुक बेस्ट जाएगा।
और अब मैं आ गई हूँ अपने लुक नंबर 9 की तरफ। इसमें मैंने प्लाजो के साथ पहना है रेड कलर का पेपलम टॉप। इस टॉप की स्लीव्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। रेड टॉप, रेड प्लाजो एक कंप्लीट पार्टी लुक दे रहा है। रेड एक ऐसा कलर है फ्रेंड्स जिसके साथ आप किसी भी कलर को कंबाइन कर सकते हैं, और ऐसे पेपलम टॉप उन लोगों के लिए मस्ट हैव टॉप्स हैं जिनके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैट होता है बैली पर। मैंने अपने नंबर 10 लुक में पेपलम टॉप के साथ एक प्रिंटेड स्कार्फ लिया है, तो ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई लुक नंबर 11, और इसमें मैंने एक येलो टॉप के साथ रेड इथनिक श्रग ट्राई किया है। तो ऐसे श्रग आपके बहुत काम आते हैं जब आप हाइड करना चाहते हैं अपने साइड बल्जिस को। सो ये श्रग सिल्क मटेरियल का है, इसमें फ्रंट में डोरी है जिससे इसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है, और इसमें ऊपर साइड में गोल्डन थ्रेड वर्क है फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ। सो फ्रेंड्स, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन भी हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप किसी भी तरह का इथनिक श्रग ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ कम्प्लीट पार्टी लुक। सो नाउ दिस इज माई लुक नंबर 12। यहाँ पर मैंने एक रेड स्लीवलेस ए लाइन कुर्ती पहनी है इस रेड प्लाजो के साथ, और इस कुर्ती पर नेक लाइन में एंड कुर्ती के अपर पोर्शन में बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। सो ये इस कुर्ती को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती मेरे इथनिक श्रग के साथ की है जिसे मैंने इस वीडियो में ही पहले शो किया है, बट टुडे आई एम वेयर दिस कुर्ती विदाउट श्रग एंड इट लुक्स टोटली डिफरेंट एंड क्लासी, इजंट इट? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। सो इन माई लुक नंबर 13, आई एम पेयरिंग दिस ब्लैक टॉप विद माई रेड प्लाजो। तो ये जो नेक्स्ट लुक है वो बन गया है एक कॉर्ड सेट। आजकल मार्केट में ऑनलाइन आपको बहुत सारे कॉर्ड सेट मिल जाएंगे जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट मैंने अपने एक ओल्ड ब्लैक टॉप से ये कॉर्ड सेट बनाया है। इस ब्लैक टॉप के नेकलाइन में बहुत ही अच्छा वर्क है गोल्डन पर्ल्स का और गोल्डन सितारों का। सो इट टोटली लुक्स लाइक अ नेक पीस। दिस लुक इज परफेक्ट फॉर मार्केटिंग एंड मीटिंग विद फ्रेंड्स। सो दिस इज माई लुक नंबर 14। यहाँ पर मैंने इस ब्लैक टॉप को प्लाजो में टक इन किया है, एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस ब्लैक एंड पिंक प्रिंटेड स्कार्फ। यहाँ पर मैंने अपनी ब्लैक बेल्ट को यूज़ किया है इसको एक नया लुक देने के लिए, और इसको कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने इसके साथ ब्लैक कलर के ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग भी पहने हैं। आई होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय फ्रेंड्स।